नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रोहित अग्रवाल ग्वालियर से एंड आई एम द हेड ऑफ द डेंटल डिपार्टमेंट एट अग्रवाल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्लस मैं प्रोफेसर भी हूं यहां डेंटल कॉलेज में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन ए ब्रिज एंड डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट। एक ब्रिज जो हम कराते हैं, जो कि फिक्स दांतों की एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है, प्लस डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या इनमें एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं, इस बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा, ठीक है ना। FPD जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिक्स पार्शियल डेंचर, या फिर जिसको हम लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं ब्रिज, ये एक टाइप की फिक्स दांत देने की ट्रीटमेंट ऑप्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मरीज होता है जिसके कुछ दांत मिसिंग है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए नीचे के फ्रंट के दांत मिसिंग है, या आगे के फ्रंट के दांत मिसिंग है, या पीछे के कुछ दांत मिसिंग है, तो जो डॉक्टर है आपका वो आगे और पीछे के दांतों का, आगे और आपके जो पीछे के दांत हैं उनकी कटिंग करेंगे और उनकी सपोर्ट से एक ब्रिज बनाएंगे, जिसको अपन डेंटल ब्रिज बोलते हैं और टेक्निकल टर्म में FPD बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आप कॉमनली भी जानते हैं जो अपना ब्रिज होता है जिसपे ऊपर गाड़ियां चलती हैं, वो भी दो पिलर पर टिका होता है, उस पर ब्रिज बना होता है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है, आप आगे का दांत और एक पीछे के दांत से सपोर्ट लेके एक फिक्स ब्रिज बनाते हैं, जिसको अपन FPD या डेंटल ब्रिज बोलते हैं। वो अलग अलग क्वालिटी के हो सकते हैं, बट ट्रीटमेंट ऑप्शन ये रहता है फिक्स दांत देने का। बट इस ट्रीटमेंट ऑप्शन में कंडीशन होती है कि आगे एक दांत होना चाहिए और पीछे एक दांत होना चाहिए सपोर्ट के लिए। सेकेंडली, ये दोनों दांत हेल्दी होने चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि वो दांत खुद कॉम्प्रोमाइज्ड हो, हिल रहे हो और आप उसमें ब्रिज बना दें तो वो और चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया FPD जिसको हम ब्रिज बोलते हैं। ये बहुत सालों से मार्केट में चल रहा है, हमें भी करते हुए 15-20 साल हो गए इसको, ठीक है ना। बट इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। सबसे मेजर डिसएडवांटेज इसका ये है, अगर आप ब्रिज करवाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, तो आगे का जो आपका नेचुरल दांत है और जो पीछे का नेचुरल दांत है, जो कि हेल्दी दांत है, उसकी कटिंग हो जाएगी, क्योंकि हमें उस पर कैप लगाना पड़ता है। एंड कितनी कटिंग हो जाएगी, 60-70%, 60-70% आपका नेचुरल दांत कट जाएगा, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना उसमें कोई कैविटी लगी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो आपके हेल्दी दांत थे जो कि कट जाएंगे, ठीक है। उसकी पूरी प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर जिसको एनामल बोलते हैं वो हट जाएगी, तो ये उसके डिसएडवांटेज है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कटिंग के समय पेशेंट को अगर दर्द होने लगे, सेंसिटिव होने लगे, तो ऑन द स्पॉट रूट कनाल भी करना पड़ता है, ठीक है ना। सेकेंडली, इसमें क्या रहता है, क्योंकि आपका आप कराने गए थे सिंगल दांत का रिप्लेसमेंट, बट अब आपका 3 यूनिट का 3 कैप का ब्रिज बन गया है, तो वो ऑब्वियसली मेंटेनेंस ज़्यादा मांगेगा। जितना आप, ये हम सभी समझते हैं, जितना आप आर्टिफिशियल काम कराएंगे बॉडी पे, उतना वो मेंटेनेंस मांगेगी। नेचुरल इज ऑलवेज बेटर देन आर्टिफिशियल, ये हम सब समझते हैं इस चीज़ को, और कोविड में तो हम ये ज़्यादा समझ चुके हैं। तभी कोविड में लोगों ने चालू किया भी घर का खाना ज़्यादा खाओ, ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा खाओ, बाहर का चीज़ें कम खाओ। सेम कंसेप्ट बॉडी पे भी अप्लाई करता है, जितना आप बॉडी को नेचुरल रखेंगे उतना वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट देगी। तो आप करवाने गए थे सिंगल कैप, अब आपके बन गए 3 कैप, तो ऑब्वियसली आप ये मेंटेनेंस भी ज़्यादा मांगेंगे, आपको दिन में 2 बार ब्रश करना ही करना है, साफ सफाई ज़्यादा मांगेंगे, खाना फंसने के भी इस पे चांसेस ज़्यादा रहेंगे, प्लस लॉन्ग टर्म लाइफ भी इसकी कम रहेगी, क्योंकि आपने आर्टिफिशियल काम ज़्यादा कराया है, तो इसकी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल कम रहेगी। रिसर्च के हिसाब से 8-10 सालों में इसमें जो आगे और पीछे के दांत की जो आपने कटिंग की है, इसमें पेशेंट को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लगती है, या तो उसमें कैविटी हो जाती है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। इसके अपोजिट अगर आप डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट में सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है, जो आपका आगे का दांत है और पीछे का दांत है, उसको हमें टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम सिंगल दांत बीच में लगा सकते हैं और हमें आगे और पीछे का दांत आपका बिल्कुल नेचुरल रहेगा, तो वो आपका एक मेजर एडवांटेज है, ठीक है ना। क्योंकि हमने आगे और पीछे के दांत आपके टच नहीं किए हैं, तो वो आपके नेचुरल रहेंगे, तो उसकी लाइफ ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगी। सेकेंडली, क्योंकि हमने आपको एक सिंगल दांत दिया है बीच में, तो आप उसकी मेंटेनेंस अच्छी तरह करोगे, उसमें खाना फंसने के चांसेस कम होंगे, आप दिन में 2 बार ब्रश करें, उसकी लाइफ भी ज़्यादा रहेगी। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कंसेप्ट कि नेचुरली जो आपके सारे मुंह में दांत दिए हैं ऊपर वाले ने, वो दांत सिंगल सिंगल एक यूनिट है, वो आपस में जुड़े नहीं हुए हैं, वो सब सिंगल सिंगल एक यूनिट है। तो हमको जितना हम उस कंसेप्ट को फॉलो करेंगे, जितना हम नेचुरल एनाटॉमी को जो ऊपर वाले ने बनाई उसको फॉलो करेंगे, उतना सर्वाइवल ज़्यादा रहेगा। इसलिए इम्प्लांट्स मार्केट में आए हैं, सो दैट आप सिंगल दांत दे सकें। तो सिंगल दांत आप देंगे तो उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा होगी,
तो आपके अगर एक दांत मिसिंग है, दो दांत मिसिंग है, पूरे मुंह के भी दांत मिसिंग है, तो हम इम्प्लांट करके आपको सिंगल सिंगल दांत दे सकते हैं। तो उसकी मेंटेनेंस करना आसान है, आपके नेचुरल दांत हमें नहीं घिसने पड़ेंगे। सबसे बड़ा एडवांटेज ये आपकी जहाँ पे आपका दांत नहीं है वहाँ की हड्डी को नहीं गलने देता है, हड्डी को पकड़ के रखता है, क्योंकि जैसे ही आपकी बॉडी से दांत निकलता है तो हड्डी का गलाव चालू हो जाता है, क्योंकि दांत ही है जो हड्डी को नरिशमेंट देता है और उसको पकड़ के रखता है। इसलिए बूढ़े लोगों का आप देखोगे जैसे ही दांत निकल जाते हैं तो मुंह ऐसा दब सा जाता है, क्योंकि हड्डी गल जाती है उनकी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सेकेंडली, क्योंकि ये बोन में जाते हैं इम्प्लांट, तो आपको 98-99% च्यूइंग एफिशिएंसी देते हैं, मतलब आप नेचुरल दांत जैसा खा सकते हो, एकदम उतना खा सकते हो, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है। इम्प्लांट कराने के बाद हम पेशेंट को ये बोलते हैं आप दुनिया की हर चीज़ खाइए, मांस मच्छी भी खा सकते हैं, सब खा सकते हैं, मतलब पत्थर छोड़ के आप प्रैक्टिकली सब कुछ खा सकते हैं। तो वो चीज़ है जो आप नेचुरल, कोई बाउंडेशन नहीं है। पर ब्रिज में लोग बाउंडेशन देते हैं कई बार कि भैया थोड़ा देख के खाना, इस तरफ से थोड़ा सा मुलायम खाना, कहीं टूट ना जाए, ये सब कुछ नहीं बाउंडेशन है। सेकेंडली, आपके जो इम्प्लांट्स रहते हैं बहुत नेचुरल दिखते हैं, क्योंकि सिंगल रहते हैं, बगल के दांत से जुड़ते नहीं है, तो नेचुरल रहते हैं। लुक्स में, स्माइल में, स्पेशली जब आप फ्रंट का काम कराएंगे तो बहुत नेचुरल लुक आती है, स्माइल आपकी बहुत एनहांस होती है, लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, इसकी सर्वाइवल बहुत लंबी रहती है, मिनिमम मान के चलिए 15 से 20 साल चलने ही चलने हैं, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है। प्लस कंपनी से आपको इम्प्लांट में ऑलमोस्ट लाइफ टाइम वारंटी मिलती है, मतलब कभी भी आपका इम्प्लांट फेल होता है तो कंपनी उसको फ्री में रिप्लेस करती है आपका। बट 15 से 20 साल चलना ही चलना है, बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट्स रहते हैं। ठीक है, अब एज की बात कर लें, 18 से बड़ा साल वाला कोई भी आदमी डेंटल इम्प्लांट्स करवा सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। अच्छा, स्पेशली जो मैंने आपको पॉइंट बताया, ब्रिज में आपको आगे और पीछे के दांत का सपोर्ट लगता है, बट कुछ कंडीशन में जैसे आपके पीछे के दांत मिसिंग है तो आपको वो जो डेंटिस्ट है वो आपको फिक्स दांत के लिए इम्प्लांट्स ही आपके ऑप्शन बचता है, कि पीछे तो दांत है नहीं आपके, तो या तो आप इम्प्लांट्स करवाओ या फिर वो निकालने लगाने वाले बत्तीसी आप लगवाओ, जो कि तो वेस्टेज ऑफ टाइम और मनी है। ठीक है ना, तो इन कंडीशन में आपको ये दिमाग में रखना है कि आपके लिए इम्प्लांट बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है ना, तो कभी भी आपका कोई दांत मिसिंग हो तो ऑलवेज चूज डेंटल इम्प्लांट्स, इट इज़ ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आपको देखिए लॉन्ग टर्म सोच रखेंगे तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, कि मेरे को लॉन्ग टर्म 15-20 साल की सोच रखनी है। कोई भी ट्रीटमेंट आप मुंह का कराएं या मेडिकल कोई भी ट्रीटमेंट कराएं, ये बेसिक कंसेप्ट फॉलो होता है कि आपको लॉन्ग टर्म सोचना है। ऐसा नहीं सोचना अरे ये चीज़ तो 4-5 साल चलेगी, नहीं, आप ऐसा सोचिए 15-20 साल। इवन अगर मेरे पास कोई 80 साल का पेशेंट आता है तो उसको मैं इम्प्लांट्स ऑप्शन दूंगा इन स्पाइट ऑफ ब्रिज, क्योंकि अगर वो 85-90 ईयर्स तक भी जी रहा है तो मैं ये चाहूँगा कि वो परफेक्टली खाना खाए। ये कोई कंसेप्ट नहीं है कि 80 साल वाला है तो वो बाहर घूमने नहीं जाएगा, पार्टीज में नहीं जाएगा, शादियों में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, वो सब जगह जाएगा भाई। कोविड में तो सबको ये सिखाई है कि लाइफ अपनी आपकी यही एक लाइफ है, तो 80 साल वाले को क्यों बाउंडेशन है कि भैया वो घूमने नहीं जा सकता है, जहां आप जा सकते हो वो भी जाएगा, जहां वो 20 साल वाला जा रहा है वहां पे वो 80 साल वाला भी जाएगा। तो उससे क्यों आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो दांत निकाल के रखे बाहर अपना, नहीं, सबको फिक्स आज चाहिए आज के टाइम, जिससे वो बढ़िया खाना खा सके, अच्छी तरह स्माइल कर सके और जिसकी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल हो। तो अगर आपको कभी भी ऑप्शन मिले डेंटल इम्प्लांट्स विद ब्रिज, हमेशा डेंटल इम्प्लांट्स को चूज करें, ये लॉन्ग टर्म आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इस टॉपिक पे रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हो या शंकाएं हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू, नमस्ते।